गुरु प्रेम के पास जब जब जो भी व्यक्ति आता था। आज गुरुदेव की 72 मासिक पुण्यतिथि का दिवस है और हमने देखा है गुरु प्रेम के जीवन को। जब जब भी गुरु प्रेम के पास हर एक गुरु भक्त आता था, गुरुदेव एक ही बात सिखाते थे कि समझ लेना, जीवन में एक बार जरूर चेक कर लेना कि आप गुलाम हो या आप राजा हो। गुरुदेव बड़ी गजब की बात कहते थे, आने वाले, पास में आने वाले, समीप आने वाले, निकट आने वाले, गुरुदेव के संपर्क में आने वाले हर एक इंसान से गुरुदेव ये पूछते थे कि समझ लेना, जीवन में हम गुलाम बनना चाहते हैं या राजा बनना चाहते हैं। भक्त शिष्य गुरु को पूछते थे कि गुरुदेव दोनों में डिफरेंट क्या है ये तो बताओ, हमें तो पता नहीं हम गुलाम है या राजा है, लेकिन आप कुछ बताओगे तो हमें पता चलेगा। गुरु प्रेम अनंत ज्ञान के भंडार थे और उनका जीवन में एक ही कर्तव्य रहा, उनके जीवन में एक ही काम रहा, मेरे पास जो भी आए उसे प्रेम देता चलूं और उसके जीवन में उसको जगाता चलूं। और इसीलिए गुरुदेव के पास जो भी आता था एक ही सवाल पूछते थे कि जीवन में चेक कर लेना, तू गुलाम है या तू राजा है। बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता था कि गुरुदेव इसका निष्कर्ष क्या, गुरुदेव इसका अर्थ क्या, और तब गुरुदेव बताते थे कि तुम्हारे पास जो भी चीज है, तुम्हारे पास जो भी सामग्री है, जब उसको छोड़ना पड़े तब तुम रोते रोते छोड़ते हो तो समझ लेना तुम गुलाम हो, और हंसते हंसते छोड़ते हो तो समझ लेना तुम राजा। आज गुरुदेव की मासिक पुण्यतिथि के दिवस पर मैं भी आपको यही कह रहा हूं, जीवन में एक बार जरूर चेक कर लेना कि हम गुलाम है या हम राजा। लक्ष्मीपति भी हो सकता है, लक्ष्मी दास भी हो सकता है। हमने जीवन में क्या ऊंचाइयां हासिल करी, हम जीवन में कहां तक पहुंचे, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि जीवन में आपके पास जो भी चीज आई है वो एक ना एक दिन जानी जरूर है। लेकिन जब चीजों को छोड़ना पड़े, चीजों का त्याग करना पड़े, तब शास्त्रकार भगवान कहते हैं, गुरु प्रेम कहते थे कि समझ लेना आप हंसते हंसते छोड़ सकते हो तो आप कौन हो, आप कौन हो, राजा। और यदि रोते रोते छोड़ना पड़ता है तो आप कौन हो, समझ लेना अपने जीवन को एक बार चेक कर लेना, गुरु प्रेम के वाक्य को एक बार चेक कर लेना कि यदि हम कोई भी चीज को हंसते हंसते छोड़ देते हैं तो हम राजा हैं। हम जीवन में राजा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या ये क्वालिटी हमारे भीतर है। हम छोड़े ना छोड़े, समय एक दिन जरूर सब छुड़वा देता है, समय एक दिन सब हमारे हाथ से छीन लेता है, या सांसें खत्म हो जाती है या समय खत्म हो जाता है, समझ लेना जीवन में से दो में से एक ना एक चीज तो कभी खत्म होनी है। या तो आपका समय निपट जाएगा, अच्छा समय, शुभ समय, अच्छा समय आपका निकल जाएगा और आपको छोड़ना पड़ेगा, और यदि आपका पुण्य जागृत है तो सांसें खत्म हो जाएगी तब जाके छोड़ना पड़ेगा, समय खत्म होगा तब भी छोड़ने का अवसर आएगा, सांसें खत्म होगी तब भी छोड़ने का अवसर आएगा। और इसीलिए गुरु प्रेम कहते थे कि जीवन में एक बार जरूर देख लेना, जब जब भी छोड़ना पड़ा रोते रोते छोड़ा या हंसते हंसते। हमारे यहाँ तीर्थंकर परमात्माओं की 24 तीर्थंकर परमात्माओं की परंपरा बनी, और 24 तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय कुल के थे, बड़े बड़े राज्य के राजकुमार थे, लेकिन जब उनको दीक्षा का अवसर आया तो सच कहना रोते रोते छोड़ा कि हंसते हंसते छोड़ा, कैसे छोड़ा, हंसते हंसते छोड़ा। पूरे एक साल तक वर्षी दान करते हुए, करोड़ों सोना मोहरों का दान करते हुए, लाखों संपत्तियों का दान करते हुए, हमारे पास रही हुई हर चीज का दान करते करते परमात्मा एक साल तक आनंद उल्लास उत्सव को मनाते मनाते तब जाके संयम के मार्ग पर चलते हैं। और इसीलिए गुरु प्रेम हर हमेशा कहते थे कि जीवन में समझ लेना राजा बनना या गुलाम बनना हमारे हाथ। आपको शायद पता हो, कल मैं पढ़ रहा था, एक आध दिन पहले इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मारियो द्रागी उनका नाम था। समझना जीवन में कैसी कैसी परिस्थिति आती है, और यदि हमने इतना अटैचमेंट करके रखा है, हमने इतना जुड़ाव करके रखा है, तब छोड़ने का वक्त आएगा तब रोते रोते छोड़ना पड़ेगा। कल मैं उनकी एक फोटो देख रहा था अखबार में, बड़े निराश, बड़े उदास, बड़े हारे हुए, बड़े दुखी, बड़े रोते हुए, आंखों में आंसू के साथ।
अहवाल पढ़ रहा था मैं अखबार के भीतर, और वहां लिखा हुआ था कि मारियो द्रागी जो इटली के बड़ा प्रधान थे, प्रधानमंत्री की पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे, और लेकिन जब उनको विश्वास का मत हासिल न हुआ, इटली में सरकार गिर गई, वो नीचे गिर गए, और जब उनको पद त्याग करना पड़ा तब वो बड़े निराश हुए, बड़े उदास हुए, बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, या समय आपसे सब छीन लेगा या सांसें आपसे सब छीन लेगी, छीनाना जरूर है, आपके हाथ से जाना जरूर है, आपके हाथ से निकलना जरूर है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का बड़ा प्रधान हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, चाहे नगर निगम का अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, समय सबका पूरा होता है, हमारा भी एक दिन होगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, समझ लेना, हमारा समय पूरा जब भी हो तब हम रोते रोते न छोड़े, हंसते हंसते छोड़े। उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसका दुख हुआ, रोते रोते उन्होंने इस्तीफा दिया। बड़ा प्रधान होने के बावजूद, प्रधानमंत्री होने के बावजूद, वह इटली के बड़ा प्रधान ने रोते रोते इस्तीफा दिया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि समझ लेना, जीवन में हमें गुलाम नहीं बनना है, जीवन में हमें क्या बनना है, क्या बनना है, और यदि राजा बनना है तो गुरु प्रेम का ये वाक्य हमेशा याद रखना कि जो रोते रोते छोड़ता है वह गुलाम है, और जो हंसते हंसते छोड़ता है वह राजा। हम राजा बनने के लिए पैदा हुए, हम गुलाम बनने के लिए नहीं आए। जीवन में जब जब भी छोड़ने का अवसर आवे, एक खुमारी के साथ, एक आनंद के साथ, एक उल्लास के साथ, एक उत्साह के साथ यदि हम छोड़ेंगे, तभी वह छोड़ना हमारे लिए सार्थक होगा, वरना रोते रोते तो दिया हुआ दान भी बेकार हो जाता है। हमारे यहां लिखा गया है कि दान देते समय आपके भीतर में यदि आनंद उल्लास उत्साह नहीं है, आपके भीतर में एक अहोभाव नहीं है, वो दान भी आपका बेकार हो जाता है। रोते रोते दिया हुआ तो दान भी निरर्थक है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में गुरु प्रेम का यह वाक्य हमेशा याद रखना कि जीवन में बनना है तो राजा बनना, गुलाम कभी मत बनना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।